तब हमें पता है कि मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी और कैनेटिक एनर्जी जहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास वहाँ पे कैनेटिक एनर्जी भी है तो अगर वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है तो कैनेटिक एनर्जी भी हमारे पास मैक्सिमम हो है यानी कि मीन पोजी एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन तक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है कैनेटिक एनर्जी में अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कैनेटिक एनर्जी चेंज होने लग जाएगी वापस पोटेंशियल एनर्जी में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास होता क्या कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी आपस में चेंज हो रही होती हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और कैनेट एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक मैच स्प्रिंग सिस्टम है हम कोई भी ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम भी ले सकते हैं किसी भी की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं तो यहाँ पे हम एक मैच स्प्रिंग सिस्टम की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर स्केल अप करें तो बेसिकली यहाँ पर इस वक्त की अपनी मेन पोजिशन पर तो हम जीरो है ठीक है और इस तरफ हम फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें स्केल अप करें यहाँ पर तो मेन पोजिशन पर उस पर जो रिटार्डिंग फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी ज़ीरो होगी तो जब हम उसको उठा के यहाँ पे लेकर आए तो हमारे पास जो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हम उसको एक्स नॉट कह रहे हैं जो कि उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे तो जो उस पर लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी के टाइम्स एक्स नॉट हो जाएगी इसी तरह हम जब उसे अपर एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव के मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट और हमारे पास जो डिसप्लेसमेंट होगी वो वहाँ पर क्या होगी नेगेटिव एक्स नॉट होगी यहाँ पर अब ऐसा हमने क्यों किया हमने ये सारा कुछ क्यों प्लॉट किया बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम इस मैस को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं तो हमने वर्क कितना किया <coughs> तो चूंकि हमारे पास फोर्स भी डाउनवर्ड्स है और डिस अप्लाइड फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है और जो हमारे अप्लाइड फोर्स और जो रिटार्डिंग फोर्स है उनमें फ़र्क यह है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगी और जो इसमें रिटार्डिंग फोर्स जो फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है वो हमेशा इस अप्लाइड फ़ोर्स के अपोजिट होगी लेकिन उसका मैगनीट्यूड इक्वली होगा इसके तो खैर हमारे पास डिसप्लेसमेंट और जो अपलाइड फोर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास वर्क को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फोर्स का और डिसप्लेसमेंट का तो जब डिसप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है तब हमारे पास अप्लाइड फोर्स भी कुछ भी नहीं है तो जिस तरह से हमारे पास डिसप्लेसमेंट बढ़ रही है हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो भी लीनियरली बढ़ रही है ठीक है तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ होगा और एट दी एंड हम एक्स नोट तक रीच कर जाएंगे अब जब हमने एक्स नोट पर रीच किया तब हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगी के टाइम्स एक्स नोट होगी तो हमारे पास एफ डी ग्राफ में यानी कि पोस्ट और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो हमारे पास वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है वो बेसिकली हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व के इक्वल होता होते हमने वर्क डन के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो बेसिकली इसके एरिया के इक्वल होगा अब इसका एरिया हमारे पास क्या होगा ये बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ठीक है अब इस ट्राइंगल की हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है बेस हमारे पास एक्स नॉट है और जो हमारे पास इसकी हाइट है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास के टाइम्स एक्स नॉट है तो हमारे पास जो राइट एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो जो राइट एंगल ट्राएंगल होती है उसका जो हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सॉरी बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या मल्टीप्लाई बाय हाइट तो हमारे पास ये फार्मूला होता है जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास डिस उसके डन की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय एक्स नोट का स्क्वेयर बेसिकली ये दोनों एक्स नोट है हमारे पास तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया एक्स नोट का स्क्वेयर बन गया आपकी बुक में वो इसको अलग तरीके से लेता है तकरीबन ही लेता है ठीक है उसको बात वो अलग तरीके से करता है वो क्या करता है वो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आने में हमारी जो एवरेज फोर्स की वैल्यू थी वो क्या थी तो वो उस एवरेज फोर्स की वैल्यू लेता है जो कि हमारे पास जीरो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जीरो है और यहाँ पे हमारे पास के टाइम्स एक्स नोट है तो उन दोनों का सम करके उसको टू पर डिवाइड कर रहा था वो बेसिकली एवरेज वैल्यू ले रहा है फोर्स की तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास एवरेज क्या आएगी वन डिवाइड बाई टू के टाइम्स एक्स नोट वर्क की वैल्यू उसकी भी एंड पे यही आएगी अभी देख लेते हैं हम अब उसने एवरेज फोर्स निकाल ली तो बेसिकली उसने वर्क डन किसके इक्वल है एवरेज फोर्स और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट ठीक है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो उसके लिए भी यही आएगा जो उसका वर्क डन है वन डिवाइड बाई टू के टाइम्स एक्स नोट का स्क्र तो वो इस तरह से आपकी बुक में रिप्रेजेंट करता है मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया आपको दोनों में से जो उन आसान तरीका लगता है आप उसको लेकर आगे चल सकते हैं तो हमने वर्क डन कैलकुलेट क्यों किया बेसिकली जब हमने इस मैसविंग सिस्टम को इसकी मेन पोजिशन से हमने यहाँ तक मूव किया तो इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी है तो जो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हमारे पास बेसिकली इसके वर्क के इक्वल है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है वन डिवाइड बाई टू के टाइम्स एक्स नोट स्क्वेयेर तो यहाँ पे अगर हम इसको ला के रोक देते हैं तो उस टाइम इसकी मैक्मम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इसलिए मैक्स का कीवर्ड यहाँ पे ये यह आया इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी मैक्सिमम है तो इन जनरल हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की हम किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है यानी कि ये ऑक्सीलेट कर रहा है इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है तो हमें अगर एक्स की वैल्यू कहीं पे भी पता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता तो अगर हम वो प्लग इन करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पर भी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया अब बारी गया कैनेटिक एनर्जी की तो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है वन डिवाइड बाई टू एम वी और जो वी है हमारे पास वी हमारे पास किसके इक्वल होता है फॉर द मैथ सिस्टम वो हमारे पास होता है एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड बाई एम अंदर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस के एक्स हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और एक्स नॉट से मुराद हमारी एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास वी की इक्वेशन ये आती है अब अगर हमें बेसिकली हमें हमारे पास यहाँ पे v स्क्वेयेर में है तो हमने इस फॉर्म को भी स्क्वेयर में करना है तो हम क्या करेंगे पूरी क्वेश्चन का स्क्वेयर ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर लिया v स्क्वेयेर हो गया यहाँ पे स्क्वेयर लिया x नॉट स्क्वेयेर हुआ और यहाँ पे स्क्यर लिया तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया ये यह भी यहाँ पे ऐसे आ गया और ये सारा कुछ हमारे पास स्क्यर रूट से अलग आ गया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी तो हम क्या करेंगे अब इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन कर देंगे ठीक है तो जब इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन करेंगे कैनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बनेगी थोड़ी खतरनाक वैल्यू बन रही है लेकिन सिम्प्लीफाई हो जाएगी आगे चल के वन डिवाइड बाई टू एम वैसे का वैसे ही आ गया वी स्क्वेयर की जगह पे हमने ये सारा कुछ प्लग इन कर देना तो हमने क्या प्लग इन करना है एक्स नॉट स्क्वेर मल्टीप्लाई बाय के डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्क्यर अब यहाँ पे हमारे पास जो एम है वो एम से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी की फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी वन डिवाइड बाई टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट ठीक है और ये हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा अब अगर हम इसके थ्रू आउट दी ऑक्सीलेशन इसमें अगर हम देखें कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है यहाँ पे तो एक्सट्रीम पोजिशन पे जो हमारे पास कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी क्यों क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ठीक है ये बेसिकली इसकी मेन पोजिशन ये है हमारे पास ठीक है जैसे ही हम मेन पोजिशन पर आएंगे हमारे पास क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिसप्लेसमेंट जो है एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी इसी तरह ही हम अगर अपर एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी ठीक है यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी एब्सलूट पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो नेगेटिव को हम यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहे उसके अलावा भी हमारे पास एक्स जो है वो स्क्वेयर हो रहा है यहाँ पर तो अगर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी आफ्टर द स्क्वायर तो इसलिए हमारे पास ये यह नेगेटिव यहाँ पे नहीं आई पोटेंशियल एनर्जी अब इसी तरह ही हमारे पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मज़ीद सिम्प्लीफाई करें बेसिकली हम इस एक्स नोट को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स नॉट स्क्वेयेर आ जाएगा और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली जो सात मल्टीप्लाई और फैक्टर वो इसको काट देगा तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी वन डिवाइड बाई टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें एक और तरह से भी देख सकते हैं हमारे पास मीन पोजीशन पर विलोसटी मैक्सिमम होती है तो हमारे पास कैनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मैक्सिमम होगी वरना अगर हम इस रिलेशन के थ्रू देखें तो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास कब मैक्सिमम होगी जब ये पूरी टर्म मैक्सिमम होगी अब उस टर्म में जो वेरिएबल है वो बेसिकली ये वाली टर्म हो रही है और ये इसकी वजह से चेंज हो रही है अब एक्स जो है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होगा या लेस देन होगा एक्स नॉट के कभी भी उससे एक्सेंड नहीं करेगा तो जो ये पूरा हमारे पास जो डिफ्रेंसीशन है ये वाली ब्रैकेट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी एक तो इसकी वैल्यू दूसरी चीज़ ये कि ये हमेशा लेस देन वन ही होगी या मैक्सिमम वन होगी तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी वन होगी वन कब होगी जब हमारे पास एक्स क्या होगा हो तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाएगी ठीक है और ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी तो हमारे पास कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी ठीक हो गया तो हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कब आएगी जब हम मीन पोजिशन पर हैं ठीक हो गया जिसके लिए हमारे पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्म जब हमारी इंस्टेंटेनियस डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होती थी तो यहाँ पे भी हम हमारी जो कैनेटिक एनर्जी वो तब मैक्सिमम होगी जब हमारे पास एक्स जो है वो जीरो के इक्वल होगा ठीक है और हमारी जो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी वो हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगी क्यों क्योंकि हमारे पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी चेंज होगी कैनेटिक एनर्जी में तो उसमें कुछ ना कुछ डेसिपेट नहीं होगा अगर आइडियल केस है तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम ही आनी चाहिए अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें कैनेटिक एनर्जी को भी हमारे पास जो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी है वो क्या है वन डिवाइड बाई टू एम मल्टीप्लाई बाई एक्स नोट का स्क्वेर जो कि यहाँ पे है उसके अलावा दोनों एक्सट्रीम पे हमारे पास जीरो होगी कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब अगर हम प्लॉट करें कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को विद द डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है ठीक है ये हमारी एनर्जी है इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास जो ये है ये हमारे पास मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है ठीक है जो कि हमने इनिशियली स्टोर की थी जो कि हमने वर्कडन किया था उस पर जो कि थी वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय के एक्स नोट का स्क्वेयर तो हमारे पास जो एक्सट्रीम है हमारे पास बेसिकली ये दो एक्सट्रीम है ठीक है ये हमारे पास दो एम्पलीट्यूड एक एक्स नोट है और एक नेगेटिव एक्स नोट है तो हमारे पास पोटेंशियल इनर्जी मैक्ममम होगी एक्स्ट्रीम पर और ये किसकेक पर होगी जो हमारी इनिशली स्टोर्ड एनर्जी है तो जैसे जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी जीरो पे आ गया अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टूवर्ड्स दी पॉजिटिव बढ़ रही है तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक पहुँच जाएगी ठीक है ये कर्व हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आ गया इसी तरह अगर हम कैनेटिक एनर्जी को देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि एम्पलीट्यूड्स पर हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है जीरो तो यहाँ पे हमारे पास कैनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और जैसे जैसे हमारी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है सॉरी कम होती जा रही है तो हमारे पास जो पोटेंशियल कैनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है यानी कि हम जैसे जैसे मीन पोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी कैनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मीन पोजिशन पर आकर हमारी कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वन सेकेंड जीरो हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा एक्सट्रीम पोजिशन तक जाएंगे तो हमारी कैनेटिक एनर्जी दोबारा से बढ़ने लग जाएगी तो हमारे पास कैनेटिक एनर्जी का कर्व कुछ इस तरह से आएगा अब यहाँ पे एक मजे की चीज क्योंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्व्ड है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी का हम किसी भी इंस्टेंट पे हम फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर यहां पे भी कहीं पर भी सम लें ठीक है इस इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को आपस में एडअप करें तो ये कभी भी इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा ठीक है क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम की थ्रू आउट एनर्जी है जो कि टोटल एनर्जी है किसी भी इंस्टेंट पे वो हमारी इक्वल रहेगी और कांस्टेंट रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट का स्क्वायर और के अब इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी जमा काइनेटिक एनर्जी के तो इन जनरल हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास ये है और इन जनरल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास ये है तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज प्लग इन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी भी इंस्टेंट पर क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू ली है और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास ये आ गई ठीक है अब इसलिए हमने यहाँ से वैल्यू उठाई है अब इस फैक्टर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं ये वैसे के वैसे आ जाएगा इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वन डिवाइड बाई टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स नोट का स्क्वेयर आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव नेगेटिव आता है हमारे पास और वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वेयर तो ये आ गया अब यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो ये क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पीछे हमारे पास टोटल एनर्जी क्या बनी वन डिवाइड बाई टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स नोट का स्क्वेयर तो यही हमने यहाँ पे भी बात की थी यही बात यहाँ पे भी आ गई लिहाजा हमने प्रूव किया कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी इंस्टेंट पर जो टोटल एनर्जी हमने इनिशियली उसको दी होती है उसके हर इंस्टेंट में जो उसकी टोटल एनर्जी होती है वो उसके इक्वली होती है टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती आइडियली अगर हम देखें उसके अलावा आपकी बुक में वो एक और चीज़ आपको बताता है वो आपको ये बताता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम और जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है वो कैसे एक दूसरे के साथ आपस में रिलेट करते हैं फॉर एक्जाम्पल हमारे पास ये मेन पोजिशन है तो यहाँ पर ये हमारा जो मैथ है ये एक्सट्रीम पोजिशन पर है यहाँ पर पेंडोलोम एक्स्ट्रीम पोजिशन पर पे पे है यहाँ पर हमारा जो मैथ है वो मेन पोजिशन पर आया और इसके बाद ये इस तरफ मूव कर रहा है और विलोसिटी मैक्सीम होगी तो इसी तरह हमारे पास जो पेंडुलम है उसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके बाद ये अपने इस एक्सट्रीम पे आएगा ठीक है और यहाँ पे इसकी एक्सेलेशन मैक्सिमम है यहाँ पे भी और हमारी जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर एक्सेशन मैक्मम होती है ठीक है क्यों क्योंकि हमारे पास वहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होती है और फोर्स मैक्सिमम की होती है क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स की बात हो रही है तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के ठीक है क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम होता है एक्सेलेशन मैक्मम है तो खैर यहाँ पे ये यह यहाँ पे आ गया और ये यह बेसिकली यहाँ पे आएगा और इसकी एक्सट्रेशन इस तरफ होगी जो कि मैक्सिमम होगी इसी तरह ये वापस मेन पोजीशन पे आया तो ये भी वापस मेन पोजीशन पे आ गया और इसकी वेलोसिटी इस तरफ मैक्सिमम होगी इसकी वेलोसिटी इस तरफ मैक्सिमम होगी तो ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ लेट करेंगे और यहाँ पर आके इसका एक साइकिल कम्प्लीट हो गया बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट किया था मेन पोजीशन पर आया एक्सट्रीम पोजिशन पर गया वापस मेन पोजिशन पर आया वापस यहाँ पे आ गया तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया इसी तरह पेंडलम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था मेन पोजिशन पे एक्सट्रीम पे गए वापस मीन पे आए तो वापस उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो इस तरह से हमारे पास सिंपल पेंडलम और जो हमारे पास मैच स्प्रिंग सिस्टम था वो आपस में रिलेट करते हैं आप क्योंकि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की टाइप्स हैं आगे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं अ स्प्रिंग स्प्रिंग हुट इज दिस तो हमें उसने उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया जो कि है एटीन न्यूटन पर मीटर तो हमें जो सबसे पहले गिवन चीज़ है वो हमें उसका कांस्टेंट गिवन है वालेकुम उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है वो है उसका वर्टिकल सपोर्ट अ मैस ऑफ वन के जी तो बेसिकली ये वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ठीक है उसका हम उसने हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया है जो कि एटी न्यूटन पर मीटर है और जो दूसरी चीज़ उसने दी है वो उसने बताया है कि उसके साथ जो मैस है वो कितना अटैच है तो उसका मैस की वैल्यू क्या है हमारे पास वन के जी तो उसके साथ वन के जी का मैस अटैच है आगे वो क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बाई विच दैस मस्ट बी पुल डाउन सो दैट

तो हमें एक तो चीज़ पता चलेगी कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है वन मीटर पर सेकेंड तो हमने जो मेन चीज़ बतानी है वो ये बताना है कि एम्पलीट्यूड कितना है तो हमने यहाँ पे करना क्या है हमने जो भी हमें गिवन डाटा है उसको हमने रिलेट करना है विद दी लेंथ ऑफ दी स्प्रिंग एक्सटेंशन जो कि जो भी उसका एम्पलीट्यूड है बिजली हमने एम्पलीट्यूड को रिलेट करना है ऑल दी गिवन डाटा तो हम वो कोशिश करेंगे कि वो हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं वालेकुम सलाम अनायत तो हमारे पास ये एक स्टैंड हुआ है फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्स कह लेते हैं ठीक है एक्स नॉट कह लेते हैं तो अब इसलिए हमें एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं जो मेन पोजीन पे उसकी मैक्सिमम विलोसिटी होगी वो मेन पोजिशन पर हमें इसलिए पता है कि मेन पोजिशन से गुजरते वक्त उसकी विलॉसिटी मैक्सिमम होती है तो हम इसको वी नॉट भी कह सकते हैं जो कि हमारे पास किसके एक वाला वन मीटर पर सेकेंड अब इस एम सी क्यू इस एग्जाम्पल को करने के दो तरीके हैं दोनों तरीके आपको मैं बताता हूँ एक्स नॉट हमने फाइंड आउट करना है पहला तरीका क्या है पहला तरीका ये है कि हमारे पास अगर हम इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगे दोनों तरीके हैं ऑलमोस्ट सेम ही हम इसको यहाँ तक लाए इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अब यहाँ पे आएगा तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो हम अगर इस कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है टोटल कैनेटिक एनर्जी में तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है कानेटिक एनर्जी के तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी इसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है वन डिवाइड बाई टू के टाइम्स एक्स नॉट का स्क्वायर और हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है वो होगी वन डिवाइड बाई टू एम वी स्क्र इसको लाख रहे हैं इसको हमने उस फॉर्म में ही लेके गए कि हम वी को रिप्लेस कर दें एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायेयर हम इस फॉर्म में इसको नहीं लिख रहे हैं हम बेसिकली हमें विलोस्टी पता है ठीक है तो हम इसलिए इसको विलोस्टी की फॉर्म में रख रहे हैं हम इसको चेंज नहीं कर रहे अब यहाँ पे हमारे पास वन डिवाइड बाई टू आप उसमें कैंसल आउट हो जाएंगे हमें चाहिए क्या हमें एक्स नॉट चाहिए तो एक्स नोट को इक्वल के एक तरफ रखेंगे बाकी के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्म बन गई अब हम में एक्स नोट खाली चाहिए उसके साथ स्क्यर है तो दोनों तरफ स्क्येर रूट ले, ले लेंगे ठीक है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी एक्स नोट की वी स्क्वेयर में था तो ये कैंसिल आउट कर देगा और ये स्क्वेयर से बाहर आ जाएगा बाकी एम डिवाइड बाई के स्क्वेयर रूट के अंदर ही रहेगा हमारे पास ये फॉर्म बन गई अब यहाँ पे हमें v भी पता है हमें m भी पता है हमें k भी पता है सबकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे हम तो जब इन सारों को सॉल्व करेंगे तो जो एक्स नोट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट वन वन मीटर तो यही वो हमसे मांग रहा था ये हमने उसको बता दिया अब जो दूसरा तरीका है आपकी बुक में सॉल्व करने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या तरीका है हमने एक्स नोट का ये रिलेशन ये डेवलप किया आपकी बुक में भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हो ओमेगा आपके पास क्या आता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम के, के केस में रूट ऑफ के डिवाइड बाई एम और जो आपके पास मैक्सिमम ये जो विलोसिटी है आपके पास मैक्सिमम विलोसिटी है तो जो मैक्सिमम विलॉसिटी होती है वो आपके पास क्या होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो ओमेगा की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो v की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी v इज टू एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ के डिवाइड बाई एम अब हमें खाली एक्स नोट चाहिए तो इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा तो हमारे पास जो एक्स नॉट बनेगा वो क्या बनेगा वी मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइड बाई के स्क्वेयर रूट के अंदर अगर हम ये वाला रिलेशनशिप देखें और ये वाला रिलेशनशिप देखें तो दोनों सेम है तो बेसिकली ये इस सेम एग्जाम्पल को अप्रोच करने के दो अलग अलग तरीके थे